मारी एकता ब्राह्मण सफाई कर्मचारी भाईचारा इनकलाब हमारा भाईचारा इनकलाब खट्टा सरकार खट्टा सरकार हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार पंचायत मंत्री मर गया पंचायत मंत्री मर गया पंचायत मंत्री मर गया खट्टा मर गया। क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा और मकान सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद खट्टा सरकार मुर्दाबाद खट्टा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद खट्टा मर गया खट्टा मर गया पंचायत मंत्री मर गया पंचायत मंत्री मर गया। इनकलाब जिंदाबाद खट्टा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद खट्टा सरकार। आज कुल मिला के करीबन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो 37 दिन से ये हड़ताल के मैदान में है ये कर्मचारी, और ये जो अभद्रे मान लो सीएम साहब मजाक करें इन कर्मचारियों के साथ वो ना करें, कि जैसे पहले अपन देखा कि भी 1000 रुपया बढ़ोतरी अपनी मर्जी से बढ़ा दिया है कर्मचारियों का, उसके बेस पर भी ये रोष में है कर्मचारी। और ये जो दीपावली पर इन्होंने 501 रुपये का ये गिफ्ट दिया है, तो ये कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि ये गिफ्ट हमारे से चाहे 1100 ले जाओ और ऐसे भद्दे मजाक हमारे साथ मत करो आप। और कुल मिला के जैसे के पीछे बजट आ गया था, 6 तारीख से बजट आ रहा है वीडियो ब्लॉकों में, और अब भली प्रकार सरकार को भी पता है इस बात का कि भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी व पंचायत मंत्री को पता कि ये कर्मचारी हड़ताल पर है, और आधे से ज़्यादा हरियाणा में कुल मिला के सैलरी जो है डल चुकी है, और महज इनको मिलता है 12215 रुपये, और वो भी जी अगर टाइम पर सरकार ना दे तो ये बेचारे क्या खाएं। और देखा जाए तो इन्हीं के ही जो सरकार के ही प्रतिनिधि हैं उन्होंने महंगाई के हिसाब से जो 2900 लगभग कैलोरी इनको चाहिए उसके महंगाई के आंकड़े वगैरह जोड़ के उन्होंने बताया कि कम से कम सम्मान काम सम्मान वेतन की हमारी जो डिमांड है भी कम से कम 26000 रुपये वेतन इनको दे दो, जब तक मान लो कोई जब तक मान लो इनकी कोई नहीं बनती तो इनको पक्का नहीं किया जाता, तब तक कम से कम सरकार इनको 25000 रुपये मान दे तो बनता है, इनका 26000 रुपये इनको देना चाहिए। और कोई ज़्यादा निम्नलिखित बड़ी इनकी मांगे भी नहीं है, ये मान लो सरपंचों के चुंगल से निकाल लिए जाए या वीडियो के पेरोल पर ले लिया जाए इन कर्मचारियों को, तो कम से कम इनका 26000 में भी वेतन ठीक मिलेगा, तो इनके बच्चे भी पढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत, कुछ ये अपने के घर की व्यवस्था भी ठीक कर लेंगे। वैसे भी देखा जाए ESI EPF का भी सरकार ने इनका करके दिया, कुल मिला के ESI EPF का भी कर रखा है, लेकिन पता क्या कभी भी जब कर्मचारी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है ESI के दफ्तर में जाता है तो ESI वाले पता क्या कह देते हैं, इस कार्ड में तो धनराशि जमा ही नहीं है, और ये हर महीने के जब सैलरी डलती है 455 रुपये काट लग रहे हैं। अब सरकार से आपकी कई बार की वार्ता हो चुकी है, पंचायत मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कहना है? करीबन कुल मिला के सर हमारी वार्ता हो ली इनसे 4 बार पंचायत मंत्री जी, और फिर एक बात और है जो हमारा डेलीगेशन को बुला के बातचीत कर लेते तो ठीक रहता, इन्होंने काली दिवाली तो मनाने पर मजबूर कर दिया है और वो वार्ता पर भी कोई जवाब नहीं है। पंचायत मंत्री जी कभी भी कोई वार्ता के लिए टाइम देते हैं तो वो गोली दे के निकल जाता है, जैसे कि पीछे हमारी वार्ता 8 तारीख को फाइनल होगी थी, हम 8 तारीख को वार्ता करेंगे आपसे वहाँ पंचकुला में, तो उन्होंने कोई वार्ता सही ढंग से की नहीं है, तो शाम को दे रहे हैं टाइम 7 बजे के लगभग, क्या मेरे को तो इमरजेंसी दिल्ली जाना पड़ गया जी, तो क्या कम से कम सरकार ये तो देखे जिस महकमे का मंत्री है, मंत्री जी अगर उनसे बातचीत नहीं करेगा तो इस मसले का समाधान नहीं होगा। तो क्या आगे की रणनीति ये है जी, 18 तारीख को राज्य कमेटी का डेलीगेशन सारा हमने बुलवा रखा है, 18 तारीख को रोहतक में एक आल हरियाणा के जो ब्लॉक है ब्लॉकों में से 5-5 साथी हमारे जाएंगे वहाँ, राज्य के देवीराम जी जो हमारे प्रधान जी हैं वो और महासचिव विनोद जी होंगे, और वहाँ कुल मिला के जो हमारे सदस्य हैं राज्य कमेटी के सदस्य वो सारी बातचीत वहाँ करेंगे, और जैसी रणनीति वहाँ से बन के आएगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक बताएंगे आपको। जैसे कि आज आप देख रहे हैं इनका 1 महीने से ऊपर सफाई कर्मचारी ग्रामीण वाले जो बैठे हैं इनकी हड़ताल चल रही है लगातार,
पर जैसा कि मैं इनके पास आ रही हूँ, देख रही हूँ, ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सरकार मतलब गूंगी बहरी हो रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दिवाली का त्यौहार भी इन्होंने यहाँ बैठ के मना दिया, तो ये एक प्रकार का शोषण है। अब ये कहते हैं कि अगर सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं और इतने से मानदेय में हमारा क्या होता है, इतनी महंगाई में देखो हम भी कैसे घर चला सकते हैं। 12,500 भी टोटल भी नहीं है, 12,500 में कैसे घर चलेगा, कैसे इनके बच्चे पढ़ेंगे, कैसे इनका रोज़गार आगे चलेगा, कैसे भविष्य बढ़ेगा बच्चों का। तो सरकार से कड़ी आलोचना शब्दों में यही कहेंगे कि सरकार को इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे और इनका अच्छे ये जो इनकी मांग है रोज़गार वो समान वेतन समान काम की 26,000 रुपये इनका करे वेतन, और इनको जो कहते हैं कि जातीय तौर पे भी हमारे मतलब हिंसा होती है, हमें अपशब्द कही जाते हैं गांव वाले के द्वारा, तो ये शब्द और जो जो इनकी डिमांडें हैं इनको पूरा किया जाए और इनका पूरा समर्थन किया जाए। और आम आदमी पार्टी से हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और सरकार से फिर से ये कहूँगी कि हमारे ये कर्मचारी बैठे हैं ग्रामीण, इनकी पूरी सहयोग करें और इनकी पूरी सहायता करें। धन्यवाद।